नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। देखिए, बिहार में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया अब तेजी से आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। जो नियमावली 2023 पास हुआ है उसके अनुसार जो पहला पहल है वह है रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध कराना, जो कि आज के डेट में ये पहला पहल देखा जा सकता है। आज मैं आपको लेटर दिखाने वाला हूँ, लेटर में क्या कुछ मेंशन है, कब तक रिक्त पदों को जो है उपलब्ध करा देना है ये भी उसमें मेंशन है। और आज ही के डेट में या अभी एक घंटा पहले जो लेटर जारी हुआ है मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और दोस्तों, चर्चा करते हैं कि भाई नियमावली, जो नियमावली है उस पर जो है लोग आंदोलन कर रहे हैं उसके विरोध में, क्या अब नियमावली में संशोधन संभव है? ये पहला पहल जो है स्टार्ट हो गया है रिक्त पदों की गणना करना, तो क्या कुछ है? चलिए पहले मैं उस सूचना को देखता हूँ, उसके बाद चर्चा करूँगा कि क्या नियमावली में अब संशोधन संभव है या नहीं संभव है। तो देखिए, आपको यहाँ पे एक जो है स्क्रीन नज़र आएगा और मैं आपको बताऊँगा। हाँ देखिए, शिक्षा विभाग बिहार पटना, देखिए आज के डेट यहाँ पे है, आप देख पा रहे होंगे 13/4/2023, यहाँ पे देख पा रहे होंगे संजय कुमार, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, आपको तो पता है। अब विषय क्या है, विषय देखिए, मेन विषय है माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की दिनांक 10/4/2023 तक के, कब तक? 10/4/2023 तक के विषयावार कोटिवार शिक्षकों के रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में, ये आपका विषय हो गया। अब हम इसी लेटर में आगे देखेंगे कि कब तक ये सूचना जो है उपलब्ध कराना है, तभी तो आपको पता चलेगा कि भर्ती की प्रक्रिया कब से शुरू हो सकती है, मतलब कि नोटिफिकेशन कब तक आ सकती है, है ना। चलिए इस वीडियो में बने रहिए, आगे देखिए, वही है थोड़ा सा यहाँ पर, वीडियो में बने रहिए, बहुत नॉलेजेबल वीडियो है। आप अवगत हैं कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 दिनांक 10/4/2023 को राजपत्र में प्रकाशित हो गई है और तद अनुरूप उक्त तिथि से यह नियमावली प्रभावी है। नियमावली को क्या कर दिया गया है? प्रभावी कर दिया गया है। अब देखिए, उक्त नियमावली में निहित निर्देश के तहत राज्य सरकार के अधीन विद्यालय अध्यापक का नया संवर्गों का गठन करते हुए आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त का प्रावधान किया गया है, मतलब इसी नियमावली में है ना। नियमावली के प्रभावी होने की तिथि तथा दिनांक 10/4/2023 के उपरांत पूर्व के नियमावली के अंतर्गत कोई नई नियुक्ति नहीं की जा सकती है। अब देखिए, इसके बाद कोई नई नियुक्ति नहीं की जा सकती है। चलिए, लिखा हुआ है तो बहुत चीज़ें, लेकिन मैं आपको मेन जो पॉइंट है इसका वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे आइए देखिए, यहाँ पे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए बात किया जा रहा है, प्राइमरी के लिए यहाँ बात नहीं किया जा रहा है। माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक पदों की गणना कर उसे संकेतिक कर उसे दिनांक 20/4/2023 तक निश्चित रूप से पद के अतिरिक्त निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया गया है। निश्चित रूप से हर हाल में ये जो है उपलब्ध कराना है, और 20/4/2023 मतलब आज के डेट से अगर हम देखें तो मात्र 7 दिन का समय दिया गया है ये जो है रिक्त पदों की सूचना वहाँ पे देना है। जिलावार नियोजन इकाई के आवंटित पद के अतिरिक्त जिला में उपलब्ध माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक पद जो जिला स्तर से नियोजन इकाई को उपावंटित नहीं की गई हो की भी गणना उसमें सम्मिलित किया जाए, साथ ही वैसे पद जिनके संदर्भ में माननीय न्यायालय अथवा राज्य अपीलीय प्राधिकार अथवा जिला अपीलीय प्राधिकार के, अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया, मैं पीडीएफ बनाया हूँ स्क्रीन शॉट लेकर के, क्योंकि डाउनलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, हमको मिल नहीं रहा था जो वेबसाइट में खोज रहे थे, लेकिन ये ओरिजिनल है और आज ही के डेट में ये लेटर प्रकाशित हुआ है। देखिए प्रपत्र में क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहा गया है कि विषय के नाम बताना है, जिला में उपलब्ध कुल पदों की संख्या बताना है, दिनांक 10/4/2023 की तिथि में कार्यरत बल कितने हैं, दिनांक 10/4/2023 की तिथि में रिक्त पद कितने हैं, विषय का नाम फिर से है, यानी कि ये माध्यमिक वाला है और उच्च माध्यमिक वाला है, प्राइमरी का यहाँ नहीं है। तो देखिए ये सारा चीज़ें हैं, अब यहाँ पे देख सकते हैं संजय कुमार
निदेशक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, और यहाँ पे सारा विवरण जो है दिया गया है। नीचे भी कहा गया है कि आपको 20/4/2023 तक जो है निदेशालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो अब दोस्तों, अब हो सकता है कि ऐसा भी हो कि पहले माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का जो है नोटिफिकेशन निकले, ये भी हो सकता है। क्योंकि देखिए, यदि BPSC एग्ज़ाम करवा रहा है तो यहाँ पर तीन तरह के शिक्षक हो जाएंगे, एक प्राइमरी शिक्षक हो जाएंगे, एक माध्यमिक शिक्षक हो जाएंगे, और तीसरा जो है उच्च माध्यमिक शिक्षक। तो सभी का पत्र भी अलग अलग होना चाहिए, पेपर अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग शिक्षक हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का पहले नोटिफिकेशन निकाला जाए, निकाला जा सकता है, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। क्योंकि जानकारी के अनुसार जिस तरह से जो है रिक्त पद की सूचना उपलब्ध कराना है, उसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का ही करवाना है। अगर प्राइमरी का रहता तो हो सकता है प्राइमरी इसमें ऐड रहता, तो अनुमान तो यही लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का नोटिफिकेशन पहले आए, क्योंकि रिक्ति का गणना जिस तरह से हो रहा है उस तरह से हम लोग अनुमान लगाया जा सकता है, हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, है ना। तो दोस्तों, यही सारा जानकारी था इस वीडियो में। अब जो है बहाली आना तय है, अब हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या नियमावली में अब संशोधन संभव है। देखिए, जितने भी शिक्षक संघ भी हैं, शिक्षक जो नियोजित शिक्षक हैं, सारे नियोजित शिक्षक ये नहीं कह रहे हैं कि भाई हमको इस नियमावली में संशोधन चाहिए, सारे नहीं हैं, कुछ हैं। आपको पता है कि 77,000 यहाँ पर फर्जी शिक्षक हैं। अब उन लोग कभी चाहेंगे कि मेरा एग्ज़ाम ले, उन लोग नियोजित ही रहना पसंद करेंगे। तो भैया ठीक है, आप लोग हल्ला ना कीजिए, आप लोग एग्ज़ाम नहीं दीजिएगा, नियोजित शिक्षक ही रह जाइएगा, कहला एग्ज़ाम देने जाइएगा, वेरिफिकेशन करवाइएगा, है ना। आप लोग शांत रहिए। और एस्टेट वालों के लिए तो ये जो रिक्ति का गणना हुआ है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का, तो एस्टेट वाले ही तो यहाँ अप्लाई करेंगे, इसलिए उन लोग को शांत करने का ये एक तरीका भी हो सकता है कि भाई इन लोग से फार्म जल्दी भरवाया जाए, है ना। तो ये सारा जो है न्यूज़ है जो मैंने इस वीडियो में आपको देने का प्रयास किया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।